Oh, too good. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा डे 7 ब्लॉग है, हमारे लॉन्ग टूर का डे 7 ब्लॉग है। हम हरिता से ताबू के लिए निकले। हमारा आज का सफ़र है 6.5 घंटे। मैं मैप में क्लियर दिखाऊंगी। ये है हमारा आज का सफ़र, और हमारे सफ़र में आज मैक्सिमम हमें सऊदी के खेत दिखाई देंगे यहाँ के। ये जो ऊपर दिख रहे वो है मोबाइल कैमरा, वो है फाइन। उसका फाइन तो 500 रियाल है अगर अपन अपने हाथ में मोबाइल दिखा दो। सऊदी में खेत कैसे रहते हैं, यहाँ पे राउंड 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 सर्किल सब ऐसा मैप में दिखाई देते। हम क्या क्या है क्या है सोचे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद समझ में आया है खेत क्यों बनाते हैं लोग ऐसा ग्राउंड। मतलब ये लोग का पानी का सिस्टम जो डालते हैं लोग पानी का, वो लोग का सिस्टम भी मैं बताऊँगी। और लोग राउंड इसके वजह से लोग राउंड बनाते हैं पानी ऐसा राउंड। ये जो पानी डालने का सिस्टम है अच्छा है, इसके वजह से लोग राउंड बनाते। और हम जो सफ़र करें हम पूरा हम खेतों से गुजरते ही गए, लेकिन हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते ना, अपन लॉन्ग हो जाता, बोर हो जाते वीडियो में। बस थोड़े थोड़े खेत बीच में 2 या 3 खेत दिखाए, लेकिन हम खेतों से ही गुजरते ही गए थे हम। अंदर से खेतों में से फॉर्म्स में से होते हुए आए, क्योंकि उधर से ये रूट नहीं दिखा रहा था, वो सिर्फ बड़े बड़े व्हीकल के लिए और जो खेत है उनके वो लोग के लिए ही परमिशन था। हम ऐसी हिम्मत करके आए क्योंकि उधर से और 1 घंटा लॉन्ग सफ़र, अब 6.5 घंटे जाके 7.5 घंटे का सफ़र दिखा रहा था। तो हम फार्म्स के अंदर से आते ना तो 1 घंटे का सफ़र कम हो रहा था। तो देखेंगे अपन अंदर, अगर कोई रोके तो चले जाएंगे अपन, फिर रिटर्न चले जाएंगे, देखेंगे। और हम हिम्मत करके अंदर आ गए, अंदर से चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं थे, पुलिस नहीं थी, तो हम इधर से ही आ गए। ये सिर्फ इसीलिए अपन को पूरे यहाँ पे जाते जाते बड़े बहुत सारे पूरे फार्म्स के व्हीकल्स ही दिख रहे ना, को ट्रेलर दिख रहे थे घास ले जा रहे थे, और बहुत सारे जो खेतों में यूज़ करते पूरे पूरे वो दिख रहे थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से निकल गए थे, हम कोई नहीं रोके। यहाँ पे थोड़ी देर में नमाज के लिए रोके थे हम, असर की नमाज के लिए रोके थे। यहाँ पे डेट्स के झाड़ थे, कितना प्यारा लोकेशन था, यहाँ पे डेट्स भी थे। Southwest on Route 80.
6 घंटे के सफ़र में माउंटेंस कैसा नहीं दिखेंगे। माउंटेंस भी दिखे, वो भी सैंड के माउंटेंस थे ये, और कभी रेड दिख रहे थे, कभी चेंज भी हो रहा था कलर्स के ऐसे माउंटेंस के। उसके बाद जो सैंड दिखा हमें, और वहाँ पे इतना हम फोटोज़ भी क्लिक करे, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए उतरे भी, मतलब वो उतना अच्छा दिख रहा था। कैसा भी गाड़ी उस रोकना ही पड़ा, उतना अच्छा था। पास बहुत पसंद आया था यार। यहाँ पर हम थोड़े फोटोज़ क्लिक करे थे, बच्चे सो रहे थे, तो आपने अपने फोटोज़ थोड़े क्लिक करे। उसके बाद हम निकले, हमसे यहाँ पे मैं बोली थी ना, से अलग अलग कलर चेंजेस हो रहे थे, कभी ऐसे दिख रहा था, कभी रेड दिख रहे थे। और फाइनली हम ताबुक पहुँच गए। वहाँ पे होटल पहुँच गए। होटल अच्छा मिला था अल्हम्दुलिल्लाह, ताबुक में होटल अच्छे थे, अच्छा था। उसके बाद हम ताबुक में 2 दिन के लिए रुके थे। मैं ये इस वीडियो में खाली रोड ट्रिप है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट डे का जो ताबुक के टूरिस्ट प्लेसेस है वो दिखाऊँगी। हम अपने लॉन्ग सफ़र के बाद फाइनली होटल आ गए, रूम भी अच्छा मिला था, और आराम से थोड़ा आराम करके नेक्स्ट डे हम जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे गए थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये है मेरे थोड़े रोड ट्रिप के फ़ोटोज़ है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में गुजारिश, अस्सलामु अलैकुम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ।